दोस्तों आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी। कमल ककड़ी को लोटस स्टेम नदरू भी कहते हैं। यह कमल के फूल की डंडी होती है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ये हेल्दी भी होती है। इसमें विटामिन सी, जिंक, कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कमल ककड़ी को खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो देखने में सफ़ेद हो, साइज में थोड़े मोटे हों और उसके दोनों किनारे अगर बंद हो तो और भी अच्छा होगा। इससे कोई भी गंदगी कमल ककड़ी के छेद में नहीं जाएगी। तब इसके कमल ककड़ी के दोनों साइड के डंडियों को हम काट लेंगे, किनारों को काट के अलग कर देंगे ऐसे। तो खरीदते वक्त जरूर से ध्यान दीजिएगा कि ये इसके दोनों किनारे ऐसे बंद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए दोनों किनारे चाहे हमने काट लिया है। अब इसे हम हल्का सा छीलेंगे, छील कर इसके छिलके को हटा देंगे। अगर छिलका नहीं हटाएंगे तो इसके रेशे मुंह में आएंगे, इसलिए हमें इसको हल्का सा छील लेना होगा। छीलने के बाद इसे मैंने पानी से धुल लिया है। अब इसे हम काटेंगे। ये देखिए इसे मैं गोल गोल काट रही हूँ। इस शेप में आप काट सकते हैं, न ज्यादा मोटा काटना है न ज्यादा पतला काटना है, मीडियम काटेंगे हम इसे। दोस्तों इसे धोकर ही काटे क्योंकि कमल ककड़ी में बहुत ही गंदगी होती है, क्योंकि ये कीचड़ में रहता है इसलिए। तो दोस्तों इसे अच्छे से धुलिए, फिर काटने के बाद फिर से इसे हम धुलेंगे। इसे हम गोल गोल काट लेंगे। ये देखिए सभी कमल ककड़ी को मैंने काट लिया है, फिर भी अभी देखिए इसके छेद में भी हल्की हल्की गंदगी है। तो इसे हम अब और धुलेंगे, दो पानी से हम अच्छे से रगड़ कर धुलेंगे। इसे आप हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलिएगा, जिससे इसमें जो भी गंदगी हो इसके छेद में वो अच्छे से निकल जाए। धुलकर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक सॉस पैन में हम पानी लेंगे और इसे उबालने के लिए अब हम चढ़ाएंगे। इस पानी में हमने कमल ककड़ी को डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा एक चम्मच नमक डालेंगे और इसे अब हम गैस पे चढ़ा देंगे उबलने के लिए। उबलने के बाद ये इसकी गंदगी और भी साफ हो जाएगी और अच्छे से ये पक भी जाएगा। तो इसे मैं गैस पे चढ़ा दिया है, उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कमल ककड़ी आपकी कितनी पकी है कि कितनी पकी नहीं है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि इसे कितना पकाना है। तो ये अभी 50% डन हुआ है, इसे अभी 80% पकाना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं और छोड़ दूंगी ढककर ही। तो चलिए ककड़ी अभी उबल चुका है, उसे मैंने उबलने के बाद पानी में से निकाल के दो पानी और अच्छे से धुल लिया है। अब एक कुकर को गैस पर चढ़ा, इसमें सरसों का तेल डाला है, एक लाल मिर्च को सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाला, जीरा डाला और यहाँ पे दो प्याज को मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, उसे डालकर मैं अच्छे से भूनूंगी। प्याज को हल्का सा लाल करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए प्याज हल्का हल्का लाल हो रहा है। अब इसमें हमने जो कमल ककड़ी को अच्छे से साफ करके उबाल कर रखा था वो डालेंगे और इसे भी हम इसके साथ भून लेंगे, प्याज के साथ ही कमल ककड़ी को भी।
तो अच्छे से इसे हम भूनेंगे, आंच को तेज ही रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कमल ककड़ी की सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए कमल ककड़ी हमारी हल्की हल्की लाल हो चुकी है, भुन चुकी है। अब इसमें हम एक मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें डाला अच्छे से। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब आंच को स्लो करके इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, हल्दी एक चम्मच ऐड किया मैंने, एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं एक से डेढ़ छोटे चम्मच गरम मसाला को ऐड कर रही हूँ। तो सभी चीज़ सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा भून लेंगे। अब आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और दो मिनट के लिए मसालों को ढक कर भूनेंगे कि अच्छे से मसाले भून जाएं। ये देखिए दो मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, देखेंगे कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए अब थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें अब हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल कम पानी डालूंगी क्योंकि बिल्कुल कम ग्रेवी चाहिए मुझे। ग्रेवी डालने वाली से मिक्स कर दिया और कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और दो से तीन सीटी में हम इसे पकने देंगे। दो से तीन सीटी आने तक इसे हम पकने देंगे। ये देखिए कमल ककड़ी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो इस सब्जी को आप जरूर से बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो ये देखिए झटपट सी सब्जी ये बन जाती है। तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कमल ककड़ी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।